नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। जिस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि 4% त्रैमासिक ब्याज की दर से 500 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, उसने हमें मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 500 रुपये। समय यानी कि टाइम टी दिया है 2 वर्ष। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह है 4% त्रैमासिक। ठीक है, अब जब रेट त्रैमासिक है हमको इसको वर्ष में बदलना है या टाइम को हम कन्वर्ट कर लें। जैसे 2 वर्ष हमारा समय है तो 1 वर्ष में कितनी तिमाही होती है, 1 वर्ष में होती है 4 तिमाही, तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएंगी, 8 तिमाही या 8 त्रिमास हो जाएंगे। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, मूलधन गुणे रेट गुणे टाइम भागे 100। मूलधन है 500, रेट है 4% और समय है 8 भागे 100। काट देंगे, 5 को 20 और 8 दूनी 16 यानी 160 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसे प्रश्न हो जिसमें दर वार्षिक ना हो के 6 माही या त्रैमासिक हो तो हम इसी को ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। अगर त्रैमासिक है तो हमने 4 का गुणा किया, अगर यहाँ 6 माही होती तो हम 2 का गुणा करके समय को डबल कर देते तो हमारा आंसर यही निकल के आ जाता। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।